हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सानू किचन। सानू किचन में आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल सीट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे और एक डो तैयार करेंगे। अब इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, हाथों पर तेल लगाएंगे और अच्छे से इसे पंच लगा कर मस लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा रेडी हो गया है। 1 नींबू की साइज इतना हम बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी बॉल हमने तैयार कर लिए हैं। उसे ढककर अब हम साइड पे रखेंगे। अब 1 लोई लेंगे, उसे बेलेंगे हम छोटी सी चपाती। अब दूसरी भी चपाती बेलेंगे और उसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे। 1 भी कोना हमें छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से हमें ऑयल लगाना है। मैदे को डस्ट करेंगे और ऊपर दूसरी चपाती रखेंगे। आप चाहे से 3 या 4 चपाती भी रख सकते हो इसी तरह। अब उसे हम आटा लगाकर बेल लेंगे। जितना पतला बेल सकते हैं इतना पतला हमें बेलना है। देखिए, अब गैस पर 1 तवा रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसे सेक लेंगे। हमें रोटी को ज़्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए कितनी आसानी से इसके पर खुल रहे हैं। बस 2 सेकंड हम और इसे सेकेंगे और इसे हम पलट देंगे। अब इसे बाहर निकाल लेंगे तवे पे से और ये दोनों रोटी के पड़ाव हम अलग कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। आप भी इसी तरह घर पर ट्राई कर सकते हो। आप चाहे जितना पतला बेलना चाहो बेल सकते हो। अब इसे अब कवर कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी हम रोटी को सेक लेंगे। ये देखिए, सभी हमारी रोल की सीट तैयार हो गई है। अब हम गैस पर 1 पैन रखेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक चॉप ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1/3 कप कैप्सिकम ऐड करेंगे, 1/2 कप कैरोट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 2 कप मैंने यहाँ पर कैबेज लिया है, 1 कप ऑनियन ऐड करेंगे। सब्जी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। जिंग चाइनीज चटनी मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, ये ऑप्शनल है। 2 कप भरकर मैंने बॉयल नूडल ऐड किए हैं, हरा धनिया ऐड करेंगे, स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे। रोल की 1 सीट लेंगे, मसाला ऐड करेंगे, फोल्ड करेंगे
मैदे की स्लरी लगाएंगे। अब हम साइड से दोनों तरफ से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह हमें इसे रोल तैयार करना है। सभी हमारे रोल रेडी हो गए हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, ऑयल गर्म करने रखेंगे और हम क्रंची फ्राई होने तक रोल को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे रोल रेडी हो गए हैं। आप भी इसी तरह घर पर बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।